नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं लोगों के बीच जानने कि क्या है डेरा सच्चा सौदा और क्या है बाबा राम रहीम जी। आपका नाम? मेरा नाम बूटा सिंह जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? 67 में जुड़ गया था जी मैं। इतने सालों से जुड़े हुए हैं आप? 53 लगा लो जी। 53 सालों में आपने कभी डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत होते देखा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं। क्या पैदा नहीं होता? क्या है बाबा राम रहीम, किस तरह की शिक्षा देते हैं वो? बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, शराब अंडा नहीं, पराई स्त्री को माता बहन बराबर समझना है, ठीक है जी। अच्छी सलाह देते हैं, मांस खाना भी बुरी बात है, दुनिया भर में लोग गंदगी भोग रहे हैं, लेकिन ये है कि वो सब तो अच्छी सलाह वही देते हैं, कोई सच नहीं है जी, ज्यादा झूठ है जी। फिर किस तरह के कार्य करता है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा भलाई सौदा, भलाई के कार्य करता है जी। सुना है डेरा सच्चा सौदा 134 से ज्यादा मानवता भलाई कार्य कर रहा है, किस प्रकार के? ये ऐसे जी जैसे भ्रूण हत्या है, इसके बारे में सफाई अभियान है, चिड़ियों को चोगा वगैरह देना है, छतों पे पानी रखना है, मतलब सब भाई जो बे वैसे हैं लड़कियां उनकी शादी करवाना, जो गरीब है उनका परिवार का साथ देना। सिलाई सेंटर खुले हुए हैं जी। जी हाँ, सिलाई सेंटर खुले हैं, कपड़ा बनाने की मशीनें बना के देख रखी हैं, उसमें बनाते हैं, और हाथ का कारीगर का जो काम है वो बहने करती हैं। मतलब आत्मनिर्भर निर्भर बना रहे हैं? आत्मनिर्भर जी। वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए किस तरह से कार्य? वो अपने बेटी बनाते हैं और बेटी बना के उसकी शादी करते हैं। हाँ जी। और क्या करते हैं बाबा राम रहीम समाज की मदद के लिए? हर तरह की मदद करते हैं, हर तरीके की। सिर्फ अपने भक्तों के लिए ही कार्य करते हैं, समाज के लिए? नहीं, समाज के लिए भी बहुत कार्य करते हैं। उनके सत्संग लगने से समाज को क्या फायदा होता था? समाज को फायदा ही फायदा जी। देखो, अच्छी बात सुनेगा आदमी तो अच्छे ही गुण ही आएंगे आदमी के अंदर, अगर बुरी बात सुनेगा तो बुरे गुण आएंगे। उन्होंने अच्छाई का ही काम कराया है, आज तक जहाँ भी बाढ़ आई है या भूकंप आया है वहाँ सबसे पहले पहुँचे हैं जी। आज समाज में गुरु जी के सत्संग नहीं लग रहे, इससे कोई नुकसान पड़ा? नहीं, सत्संग हमारे लिए तो लग रहे हैं जी, हमारे लिए तो खूब लग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिरसा जाके देखो, कम से कम 6-7-8 किलोमीटर के जाम लग जाते हैं, जो निकला नहीं जाता। अभी भंडारा आ रहा है, देखना जाके, जिसकी हिम्मत है देखो जाके। मतलब 2.5 साल से बाबा एक्टिव नहीं है और उनकी संगत आज भी यूं ही आ रही है, क्यों? कोई रिश्वत देकर बुलाया जा रहा है? नहीं जी, कोई रिश्वत नहीं है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जा रहे हैं। अब मेरे को अब 4-5 दिन हो गए यहाँ सेवा करते हुए, कोई रिश्वत थोड़ी दे रखी है मेरे को, अपना काम कार छोड़ के बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ अपने। किस तरह के आज ऐसे संत की समाज को कितनी जरूरत है? समाज को बहुत जरूरत है जिस टाइम, बहुत जरूरत है। जैसे नशे बढ़ रहे हैं, नशे का बहुत बुरा हाल है, जो व्यापार चल रहे हैं नशों के, गंदगी भोग रहे हैं लोग, और ये नशे छोड़ देंगे तो घर में स्वर्ग बन जाएगा। मतलब नशा रोकने के लिए भी गुरुजी कार्य करते हैं? बिल्कुल कार्य करते हैं गुरुजी, बिल्कुल प्रेरणा देते हैं कि भाई बिल्कुल शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, जो लोग नशा करते हैं नशा छोड़ो भाई, नशा छोड़ने से आपका शरीर भी ठीक रहेगा और तंदुरुस्त भी रहोगे। उनकी मान के आज तक कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया होगा? 6 करोड़ संगत है जी, 6 करोड़ संगत में सब नशा छोड़े बैठे हैं। अब इनमें कोई जितने हैं जी जो आए हुए हैं, इनसे पूछ के देख लो, कोई नशा नहीं करता होगा। आज देश की सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई प्रेम प्यार से सारे काम होते रहें तो बढ़िया है। हाँ जी, हम भी सुखी तो आप भी सुखी, अरदास यही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।